अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट टैब। ये भी वर्ड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टैब है जिसमें आप टेक्स्ट के अलावा जो भी चीज़ आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप इंसर्ट के टैब से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसमें आप कवर पेज लगा सकते हैं, इसमें आप पिक्चर्स लगा सकते हैं, इसमें आप शेप्स लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से जाता हूँ इंसर्ट टैब पे, और इंसर्ट टैब में आपको सबसे पहले यहाँ एक ऑप्शन मिलता है कवर पेज का। मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। सपोज़ ये आपने एक बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट बना रखा है, अब आप चाहते हैं कि इसमें एक टाइटल पेज जो सबसे फर्स्ट पेज होता है कवर पेज, जिसमें आपके टाइटल होता है बुक का या डॉक्यूमेंट का टाइटल है या किसने ये लिखी है इसके बारे में बताया जाता है, तो ये आप खुद से बनाएं। इससे अच्छा आपको वर्ल्ड ने ये सब चीज़ें पहले से दे रखी हैं, आपको बस जाना है, आपको डिज़ाइन चूज़ करना है कि कौन से डिज़ाइन का ये कवर पेज होना चाहिए, एंड देन आप जाके उसको बना सकते हैं। उसमें जो चेंजिंग करनी है आप वो कर सकते हैं, आप कलर्स चेंज करना चाहते हैं, इमेजेस चेंज करना चाहते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से कवर पेज में जाएंगे और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के कवर पेजेस आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ जाके क्लिक करता हूँ एंड देन मैंने चूज़ कर लिया कि मुझे ये वाला कवर पेज चाहिए। अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो कवर पेज आपके फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। मतलब अगर मैंने कोई लास्ट वाला पेज भी सिलेक्ट किया हुआ है, ये सिलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ से कवर पेज इंसर्ट करता हूँ, तो आपके वर्ड को पता है कि कवर पेज कहाँ होना चाहिए, वो उसको जाके पहले ही पेज पे हमेशा इंसर्ट करेगा। इस तरह डबल क्लिक मैं कर देता हूँ तो ठीक है। देन इसके आपको कलर्स चेंज करने हैं, स्टाइल चेंज करना है। आप यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड्स दी हुई हैं आपको। यहाँ मैं डॉक्यूमेंट टाइटल देना चाहता हूँ कि मैंने सपोज मैं वर्ड के बारे में ही कोई बुक लिख रहा हूँ या डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, इसी तरह सब टाइटल मैंने डाल दिया योर डॉक्यूमेंट एडिटर। सॉरी ये गलत स्पेलिंग हो गई। अच्छा, ये करने के बाद अच्छा अब इन फील्ड्स का फ़ायदा क्या है कि अब कोई आपको कहता है कि ये टाइटल पेज जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, आप चेंज कर दें, तो आप यहाँ से जाके सिंपली आप कवर पेज को चेंज करेंगे तो आपने जो टाइटल दिया हुआ वो नए टाइटल पेज पे सेम एज इट इज़ आ जाएगा। देन आप इसकी कुछ सेटिंग्स करना चाहते हैं तो हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, तो वो सब काम आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इजाफी फील्ड्स आ गई, तो यहाँ पर मैं जो है डेट देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से क्लिक करके आज की ही डेट डाल दी, और देन मैं जाके यहाँ से कंपनी नेम मैं चूज करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया सॉरी यहाँ पर मैंने लिख दिया ट्यूटोरियल्स टाउन, और कंपनी एड्रेस मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान। ओके, सो ये है आपके पास कवर पेज। इसका अच्छा कवर पेज का एक ऑल ओवर अगर आपको कलर चेंज करना है तो उसका कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ से जाते हैं डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर कलर्स मिलते हैं, और यहाँ से जाके भी आप इसके कलर्स को डिफरेंट टाइप्स के कलर्स आप ले सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करते हैं अपनी थीम के ऊपर, और जब भी आप कोई थीम अप्लाई करते हैं उस थीम के हिसाब से आपके सारे कलर्स आ रहे होते हैं, तो यहाँ से आप थीम को चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मुझे पिंक कलर में या वर्ड है तो वो ब्लू कलर में होता है नॉर्मली, तो ब्लू पहले भी आ रहा था, मैं ये वाला ब्लू सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपके पास ये पूरा कवर पेज चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है इंसर्ट टैब में ही ब्लैंक पेज। अगर आप कोई पेज ब्रेक लगाना चाहते हैं, पेज ब्रेक मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एंटर, तो ब्लैंक पेज अगर आपको ऐड करना है तो ब्लैंक पेज मतलब आप दो बार अगर पेज ब्रेक लगा देते हैं तो वो भी एक ब्लैंक पेज आपको मिलेगा। सो मैं यहाँ से जाके क्लिक करता हूँ ब्लैंक पेज पे, तो यहाँ पर एक पेज ब्रेक लगा हुआ है ये वाला, और एक पेज ब्रेक इस पे लगा हुआ, तो एक ब्लैंक पेज अगर आपको चाहिए कि आप कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई नया टॉपिक आपको लिखना है तो आप यहाँ से जाके ब्लैंक पेज ऐड करवा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से इसके बाद पेज ब्रेक होता है। पेज ब्रेक में आप कोई पेज को ब्रेक करना चाहते हैं कि लाइक यहाँ पर आपका, मैं नीचे चला जाता हूँ, सपोज़ यहाँ पर आपका कोई टॉपिक है या कोई चैप्टर है वो एंड हो गया, अब आप चाहते हैं कि ये जो बाकी का टेक्स्ट है, सपोज़ मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ चैप्टर टू, और इसको मैं जाके हेडिंग बना लेते हैं, होम में गए और मैं यहाँ से जाके इसको हेडिंग या टाइटल जो भी आपको सूट करता है बना। अब चैप्टर टू जो है, जब एक चैप्टर ख़त्म होता है तो जो दूसरा चैप्टर होता है वो एक न्यू पेज से हमें स्टार्ट करना होता है, तो न्यू पेज से स्टार्ट करने के लिए
आप यहाँ पे जाके पेज ब्रेक लगा सकते हैं। तो मैं इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ से आपको पेज ब्रेक मिल जाएगा। तो ये थी आज की क्लास, आज की क्लास बहुत छोटी सी थी, आज की वीडियो होप आपको पसंद आई होगी। इसमें हमने सिर्फ इंसर्ट आज स्टार्ट किया है, थोड़ा सा इंट्रो लिया है उसका, और इसमें हमने सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ी हैं। तो होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।